पार्टी मीटिंग को लेकर जम्मू में सियासत जो है इस कदर गरमाई है कि तमाम जम्मू की जितने राजनीतिक पार्टीज हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ और आज भी जो है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है। और जो प्रदर्शन ये चल रहा है चेयरमैन की अध्यक्षता यानी कि हर्षदेव के अध्यक्षता में ये प्रदर्शन चल रहा है और ये नाराजगी जता रहे हैं कि जो सर्वदलीय जो बैठक होने जा रही है, जो ऑल पार्टी मीटिंग हो जा रही है, उसमें जम्मू के साथ जो है भेदभाव हो रहा है। भेदभाव क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि प्रोफेसर भीम सिंह को जो है इनवाइट किया गया है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दो। राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद विरोधी भाजपा के खिलाफ जो है प्रदर्शन जो है इन्होंने कर रहे हैं। ये तमाम जितने भी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता और ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है और बीजेपी जो है वो राष्ट्रवाद विरोधी पार्टी है। ये तमाम जो है इस वक्त अगर आप देखें तो बातचीत हम सीधा करेंगे। स्वयं जो इस वक्त नाराज है प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने 24 जून यानी कि कल सर्वदलीय बैठक होगी। घाटी के ज्यादातर नेताओं को आमंत्रित किया गया है। वहीं जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू के नेताओं को जो है आमंत्रित किया गया, ये कहना जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का है। लेकिन इसी बीच उस पार्टी जिसको उस बैठक में बुलाया जाता है महबूबा मुफ्ती, वो ये कहती है कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आतंकवादी समर्थक पार्टियों को तरजीह दी जा रही है, अलगाववादी समर्थक पार्टीज को प्रेफरेंस दी जा रही है, वो सरासर गलत है और हम उसका विरोध करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से कहा है कि पाकिस्तान के साथ आप बात कीजिए, आपको दिल्ली में बुलाया जा रहा है और आज भी पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं और केंद्र ऐसे लोगों को जो है वो बुलावा भेज रहा है। राष्ट्रवादी लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और अलगाववादी समर्थक लोगों को जिस तरीके से तरजीह दी जा रही है, उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, वो हमें किसी भी कीमत में गवारा नहीं है। जिस तरीके से इन मिलिटेंट्स के सपोर्टर्स को जो एक शह दी जा रही है, इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है सारे जम्मू कश्मीर को। और देखा यह गया है कि कल भी जो है एक किलिंग हुई है और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं और ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अलगाववादियों के समर्थक हैं उनको इस मीटिंग में बुलाया जाना सरासर गलत है और कश्मीर को ही तरजीह दी जा रही है इस सरकार द्वारा। जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों की बात तक सुनने के लिए ये तैयार नहीं है ऐसा लगता है। और जम्मू जो है वो बराबरी का अधिकार चाहता है और बराबरी का हिस्सा चाहता है, लेकिन ये जो है भारतीय जनता पार्टी जिसने 25 सीटें जम्मू से ली, दोनों मेंबर पार्लियामेंट की सीटें मिली, अब जम्मू की अनदेखी हो रही है, जम्मू को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू प्रांत के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। और इससे भी बड़ा गुस्सा इस बात का है कि आप आज भी प्रेफरेंस जो है वो दे रहे हैं अलगाववादी समर्थकों को, ये सरासर गलत है और निंदनीय है। समर्थकों को एक सवाल हमने पूछा था भाजपा प्रवक्ता आरएस पठानिया साहब से कि जो ये मीटिंग हो रही है, नाराज पार्टियां जो है जम्मू की दिख रही हैं, तो एक तरफ जो है प्रोफेसर साहब को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है, दूसरी तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि इन आपस में इनमें गैप है। वो कौन है जिसका आप नाम ले रहे हैं? मैं तो नहीं जानता उसको, ये उसी को पूछिए। आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ अ मैन हु डज नॉट एग्जिस्ट एनी वेयर। वो तो पंच बनने के काबिल भी नहीं था, मोदी के नाम पर MLA बन गया है, उसको इसमें खुश रहना चाहिए और बाकी बातें जो हैं वो छोड़ दें।
थैंक यू। घाटी की अगर बात करें, घाटी के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है, डॉक्टर साहब की बात करें, महबूबा मैडम की बात करें, तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसी पार्टीज या डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात की जाए जो चौधरी लाल सिंह भी नाराज दिखे इसमें? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उनको भी नहीं बुलाया गया है, जम्मू के लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। अगर कश्मीर की नॉन रिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया है जो कल पैदा हुई हैं और दो दो साल एमएलए रहे और आज बुला दिया, उनका तो जायज़ बनता है, क्योंकि वो बहुत साल एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, मंत्री भी रहे, तो एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है। अल्ताफ बुखारी का कितना पॉलिटिक्स का तजर्बा है मुझे बताइए, वो कब पॉलिटिक्स में आए? वो एक बिजनेस टाइकून है, पैसा बहुत है उनके पास, वो हम जानते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है वहाँ? या तो पैसा होना चाहिए या अलगाववाद का समर्थक होना चाहिए उस मीटिंग में बैठने के लिए, यही से जो है नतीजा निकाला जा सकता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सजाद लोन का क्या है? उसकी पार्टी भी रिकग्नाइज नहीं है, उसको भी बुलाया गया है, तो क्या आधार क्या है? तो अगर वो नाराज़ हो रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ बात है कि जिन लोगों ने कुछ किया है, जिनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, जम्मू के काज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आज भी बात कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी है जिनका, उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और इसके बारे में जो है वो केंद्र को दोबारा सोच विचार करना चाहिए, और इस किस्म के जो फैसले वो लेते हैं उनसे हालात और ज़्यादा ख़राब जो है होने के इम्कान बन सकते हैं। ये उनको देखना होगा कि ऐसे लोगों को आप शहर दे रहे हैं। कल भी महबूबा मुफ्ती जो कह रही है पाकिस्तान के साथ बात करो और आप उसके पीछे जो पड़े हुए हैं, आप ज़रूर आइए मीटिंग के अंदर, उनको बार बार टेलीफोन जाते हैं। सबसे पहले यही स्टेटमेंट आया था, महबूबा मुफ्ती को सबसे पहले कॉल किया गया है। पुरानी दोस्ती है शायद भारतीय जनता पार्टी की, और आने वाले वक्त में भी शायद दोस्ती करने का उनका इरादा लगता है, इसलिए ऐसे लोगों को जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है। जम्मू को आप क्या समझते हैं बीजेपी वाले कि आपकी जेब में पड़ा है? आपको 25 सीटें दी, आप कहते हैं इनका कुछ हो ना हो, उसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि हम इनको ये कोई भेड़ बकरियाँ समझते हैं आप जम्मू के लोगों को, कि आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं जम्मू के लोगों को? जम्मू के लोगों की कोई अपेक्षाएं नहीं है? आपने जम्मू के लोगों को, यहाँ के नौजवान को सड़कों के ऊपर बिठा दिया, बच्चे और बच्चियों को आपने बूट पॉलिश तक करने के लिए मजबूर किया, यहाँ जम्मू के अंदर पढ़े लिखे युवाओं को क्या अधिकार बनता है भारतीय जनता पार्टी को हम सामने खड़ा होने का और वोट मांगने का? मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। क्या आपको नहीं लगता घाटी में जिस तरह से घाटी की पार्टियां एकत्रित हुई हैं, गुपकार डिक्लेरेशन बनाया, जम्मू की भी तमाम राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा? देखिए बिल्कुल होना चाहिए, काज के लिए, पीपल्स काज के लिए, लोगों के काज के लिए इकट्ठा होना चाहिए, एक अच्छी बात होगी, और हम तो कहते हैं कि मिलजुल कर चलना चाहिए। लेकिन जो लोग आज भी दिल्ली के लीडर्स की जो है वो चापलूसी करते हैं, अरे जम्मू में भी नेता बैठे हुए हैं, दिल्ली और गुजरात की पार्टियां आपका कुछ नहीं बना सकेंगी, ये आपको शायद एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चलिए शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव से हमने बातचीत की और नाराज़गी जता रहे हैं। आल पार्टी मीटिंग जो सर्वदलीय बैठक जो है कल होने जा रही है और उस पर जो है नाराज़गी जताई है और इसी के साथ साथ जो है भाजपा पर वार भी किया है। आपको क्या लगता है खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कानून अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।